लास्ट की वीडियो में हमने देखा था 11 का कमाल, 1 का कमाल और 11 का कमाल। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे 9 का मैजिक, कि 9 का मैजिक क्या है। 9 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
ये आपका आंसर आ जाएगा विद इन अ सेकेंड, कम से कम मैक्सिमम 5 सेकेंड, 5 या 3, 4 सेकेंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितनी भी डिजिट हो, कितनी बड़ी डिजिट हो कि सर इसको हम 99 से करेंगे तो क्या आएगा, 999 से करेंगे क्या आएगा, 49 से करेंगे क्या आएगा, इज अ वेरी इजी। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं अभी, सिंगल डिजिट का तो इजी है, नो प्रॉब्लम। अगर हम 45 सिंगल डिजिट, अब पहले सबसे पहले ये देखना है कि यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी सिंगल होनी चाहिए डिजिट, यहां भी सिंगल होनी, इसका तो नो प्रॉब्लम है, इसका तो सीधा सा, ओके सीधा सा है ये, ओके सीधा आंसर लिखा जाएगा बिल्कुल, इसका तो बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन चीज आती है डबल डिजिट में, डबल डिजिट इस मीन 64 मल्टीप्लाई 99, डबल डिजिट यहां पर है दोनों, दो डिजिट यहां पर है, आसान कुछ नहीं। पहले क्या काम करते थे हम, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से हम लिखते थे पहले 64 99 को हम मल्टीप्लाई कर, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, फिर यहां लिखो, फिर इसकी इससे करो, फिर यहां लिखो, ओके क्रॉस का साइन लगाया, इसकी इससे करो, फिर यहां लिखो, इसकी इससे करो, फिर यहां लिखो, और इनको बाद में फिर एड करो, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। इसको अपने माइंड से निकाल दीजिए कि हमें इस तरीके से भी यूज करना है। अब आपके आपको मिल गया नई ट्रिक कि शॉर्ट समय में, कम समय में हम किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कुछ नहीं है, आंसर इसका यह है, देखो 6336 आंसर इज हियर। Understood? One more question. 6, 4, 7 multiply. लेकिन ध्यान रखना जितनी डिजिट इधर है उतनी ही इतना ही उतने होने चाहिए। ये केवल एक स्टेप बताऊंगा, बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है तब हम कैसे करेंगे। अभी तो इसमें देखिए 6, 4, 6, 3, 5, 3 यह है आंसर। लगा टाइम इसमें? नहीं लगा। तो अब मैं आपको बताता हूं हमने कैसे किया। आपको मैंने बताया था पहली वीडियो में कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, अब बेस देखना चाहिए कि बेस क्या है, ओके। अब हम सबसे पहले एक क्वेश्चन आते हैं करते हैं, यहां पर 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 99, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था 9, 9 लास्ट 10 बताया था आपको, 9, 9 लास्ट 10 वो चीज हर जगह काम आती है, जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे मोस्टली कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई की बड़ी से बड़ी करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें वहीं पर काम आएंगी। सबसे पहले हम देखेंगे बेस। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डिजिट देखेंगे, ये भी 2 है और हमारी ये भी 2 है, दोनों बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे, 8, 3 क्लियर, यहां तक समझ में आ गई। अब हम क्या काम करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे 9 से, इसे करेंगे हम 10 से, इसे 9 से, इसे 10 से, वही चीज, और जो भी आएगा। अब 9 में से 8 गए 1, 10 में से 4 गया 6, यार आंसर बताइए कितना टाइम लगा इसके अंदर, लगा कुछ टाइम? कुछ नहीं लगा, बस वही चीज है कि हमें समझना है कि किस तरीके से करना है। अब इसके आगे और बताता हूं आपको क्वेश्चन इसके, ओके वन मोर क्वेश्चन, 74 मल्टीप्लाई 99 क्लियर। अब इसको हमने क्या काम करेंगे,
टेंस प्लेस, सो वंस प्ले जो है उसमें से वन माइनस करेंगे, वंस प्ले जो है उसमें से वन माइनस कर देंगे, सेवन थ्री। बस अब आपको देखना है बेस क्या है, बेस कितने का है, कितने जीरो, कितने नाइन है यहाँ पर, टू, तो मतलब हंड्रेड बेस, हंड्रेड बेस मीन डबल जीरो। अब मुस्कमैन आपको बताया था नाइन नाइन जीरो, नाइन नाइन लास्ट टेन, नाइन नाइन लास्ट टेन, नाइन और लास्ट टेन, नाइन लास्ट टेन, क्यों करेंगे कि यहाँ पे केवल दो ही डिजिट है इसलिए। अब इसमें से माइनस करेंगे नाइन में से और यहां टेन, ये नाइन में से माइनस करेंगे टू और टेन में से माइनस करेंगे सिक्स, ये आ गया आंसर। बताइए आप कितनी भी बड़ी डिजिट हो उसको आप इजीली कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, बहुत इजीली। अब देखिए इधर रखी है सिक्स फोर फाइव मल्टीप्लाई नाइन नाइन नाइन, सेम प्रोसेस, इजी, कुछ नहीं। ये देखना है ये हमारा थ्री डिजिट है, ये भी थ्री होनी चाहिए, थ्री हो गए। अब हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस वंस प्लेस हमारा ये है, इसमें से वन माइनस करेंगे, वंस प्लेस में से वन माइनस करेंगे, सिक्स फोर फोर, ये आ गया हमारा। हम इसमें क्या काम करेंगे, नाइन नाइन और लास्ट टेन, नाइन नाइन लास्ट टेन, इसमें फिर यहां पर लिख देंगे हम इसमें थ्री फाइव फाइव, ये आएगा आंसर। अंडरस्टूड और नॉट, कुछ कुछ आया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विल टेल वन मोर क्वेश्चन, कितनी भी डिजिट हो, कितनी भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर इधर कितनी है और इधर कितनी है, उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। ओके इस वीडियो में हम केवल ये वाला बताएंगे, केवल इतना ही, केवल इतने का मतलब ये है सेम डिजिट, ये है हमारी वीडियो सेम डिजिट। ओके सेम डिजिट, सेम डिजिट मल्टीप्लाई। अब आते हैं हमारी सिक्स फोर सिक्स थ्री मल्टीप्लाई, हाउ मेनी डिजिट हेयर, हेयर इज फोर डिजिट, ओके फोर डिजिट, सो यू विल राइट हेयर द नाइन फोर नाइन। नाउ इट क्लियर, हेयर इज, मैंने बताया था जो हमारा वंस प्लेस है, वन में से वन माइनस करेंगे, वंस प्लेस में से वन माइनस करेंगे, सिक्स फोर सिक्स टू, फॉर्मूला वही नाइन 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 टेन, नाइन 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 और लास्ट टेन, नाइन 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 और लास्ट टेन। अब उसको हम यहां पे लिखेंगे माइनस करके, थ्री फाइव थ्री सेवन, दिस इज योर आंसर। नाउ इट्स क्लियर, कोई भी डिजिट कर सकते हैं, किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई हम नाइन नाइन से करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इधर जितनी डिजिट है उधर डिजिट कितनी है, जितनी इधर है उतनी ही इधर ना उतने नाइन होने चाहिए। फिर बाद में मैं एट एट का बताऊंगा, फिर सेवन सेवन का बताऊंगा, ऑटोमेटिक सबके बताता रहूंगा कि यहाँ पर अगर टू नाइन आ जाए और यहाँ पर थ्री डिजिट आ जाए तब हम क्या करेंगे, उसका भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को पहले आप समझ लीजिए कि बेस अगर हमारी सेम डिजिट होंगे दोनों तरफ तो हम किस तरीके से कर रहे हैं। अब इसका वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। अब सपोज कीजिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन एट फोर नाइन थ्री नाइन, अब कहोगे सर यहां पे तो नाइन पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, बस ये देखिए कि कितनी डिजिट है यहां पे, हियर इज फाइव डिजिट, सो यू विल राइट हियर द नाइन फाइव, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, क्लियर फाइव हियर। मैंने आपको बताया था जो हमारी मेन डिजिट है नाइन से कोई मतलब नहीं, मेन डिजिट है इसके वंस प्लेस पर पहुंचिए, वंस प्लेस पर जो भी डिजिट दे रखी है उसमें से वन माइनस कर दीजिए, एट फोर नाइन थ्री एट, क्लियर। ओके अब हम क्या काम करेंगे, जो यहाँ पे जो डिजिट लिखी जाएगी वो डिजिट लिखी जाएगी वही हमारा जो हमने कॉम्प्लीमेंट में बताया था नाइन 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 लास्ट टेन, नाइन 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 लास्ट टेन, नाइन 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 लास्ट टेन, ये आपको शो नहीं करना है, अपने माइंड के अंदर ही आंसर देख लेना, कि क्वेश्चन देखा हमने ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, इस तरीके से आंसर आ गया। ओके इसमें कुछ नहीं लिखना आपको, आंसर लिखेंगे वन फाइव जीरो सिक्स एंड देन वन, वन फाइव जीरो सिक्स वन, दिस इज योर आंसर। प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल, राइट द
मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितनी ज्यादा शेयर होगी तो ये बच्चों की कैलकुलेशन फास्ट होगी, देखेंगे वीडियो तो पता चलेगा कि हमें ये ट्रिक भी आनी चाहिए। इसलिए बैठे रहते हैं, ये तो एंटरटेन है, खेल खेल में ही हम सीख जाएंगे कि किस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया हमें पता भी नहीं चलता। बहुत से बच्चे बैठे रहते हैं कि सब क्या करें, मैथ में हमें आता नहीं है। मैथ कोई इजी भारी चीज नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन उसको बताने का तरीका सबका अलग अलग। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। वीडियो को देखिए और उसको तुरंत लाइक बटन कीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो थैंक यू।